सारी रात मुझे तेरा इंतजार है। तुझ में रात मेरी, तुझ में दिन मेरे, लम्हा एक जीना, मैं तो बिन तेरे। तू ही मेरी है बरकत, तू ही मेरी। हेलो क्यूटीज, दिस इज योर मेकअप लवर खुशी आयुष तरु एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और जो मेरे चैनल पर नया आया है तो हाय, दिस इज खुशी। आपको मेरे चैनल पर ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। सो आर यू इंटरेस्टेड इन दीज वीडियोस? टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट्स अ लॉट टू मी। सो नाउ बैक टू द टॉपिक। आज मैं आप लोग के साथ ये ब्यूटीफुल सा न्यूली मैरिड लुक शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। बट उससे पहले आप लोग को पता है मेरे साथ एक गंदा वाला स्कैम हो गया है। मैंने ना इस वाले रेड साड़ी पे ऑलरेडी बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यूली मैरिड लुक क्रिएट मैं कर चुकी हूँ पहले। तो मैं बता दूँ, जैसा कि आप लोग को पता है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि मेरे पास आईफोन 13 है। एंड आईफोन की एक बीमारी होती है कि इसमें ना आप ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते हो, मतलब स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाता है। तो मैंने सोचा ना कि मैं अपने हस्बैंड के लैपटॉप पे अपना जो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो है वो ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। जब वीडियो एडिट करके डाल दूंगी, फ़ोन खाली हो जाएगा, तो फिर लेकर मैं एडिट कर दूंगी। बट मैंने उनको देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने फाइल से दे दिया। बट मेरे को लगा चलो बहुत दिन हो गया एडिटिंग करना है, तो जब मैं उस लैपटॉप से अपने फ़ोन में ले रही हूँ तो आ ही नहीं रहा है। उस लैपटॉप में दिखा रहा है कि वो फाइल डिलीट हो चुका है। मतलब मेरे 3 घंटे की मेहनत बर्बाद हो चुकी है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक था। मैं ना पिक्चर अटैच कर दूंगी, किसी को लगेगा मैं झूठ बोल रही हूँ, बट मैं झूठ क्यों ही बोलूंगी। एंड लिटरली उस दिन मुझे इतना रोना आया, बट क्या कर सकते हैं, वो फाइल अब दोबारा नहीं आ सकता है। और अगर आप कोई क्रिएटर हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोग मेरे से रिलेट कर पाओगे कि कितना ज्यादा दुख लगता है। लिटरली लगता है कि हमारा दिल गुर्दा बाहर आ चुका है अगर एक भी क्लिप डिलीट हो जाता है तो। और हाँ, एक और बात, ये वाला लुक जब मैंने अभी क्रिएट किया ना, तो ये वाला लुक 3 बजे कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मेरा ये लुक कंप्लीट हुआ वैसे ही लाइट चली गई, और 2 घंटे बाद लाइट आई है। तो आप लोग देख लो, 2 घंटे के बाद मैं ये जो है इंट्रो और आउट्रो शूट कर रही हूँ। तो आप लोग देख लो, मेकअप टस से मस नहीं हुआ है, ये 2 घंटे बाद का मेकअप है। पता नहीं इस रेड साड़ी के साथ ऐसा क्या नाता है, जब भी मैं इसको पहनती हूँ ना मेरे साथ पनौती ही आ जाती है। तो ये लास्ट वीडियो है भैया इस रेड साड़ी पे। बट एनीवेज, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, वो डिलीट हो चुका है, मैं तो डिलीट नहीं ना हुई हूँ, तो फिर दोबारा लुक क्रिएट करते हैं। बट इस बार मैंने ज्वेलरी अलग रखी और कुछ डिफरेंट सा लुक क्रिएट किया है। और जितना ज्यादा ये लुक मुश्किल लग रहा है ना, सच में एकदम चुटकियों में जाता है। ये आई मेकअप और ये पूरा बेस मैंने अफोर्डेबल मेकअप से क्रिएट किया, प्लस में बहुत इजी पीजी है। सो बकवास बहुत ज्यादा हो चुकी है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरे दूसरी बार मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा मुझे मोटिवेट और सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन द वीडियो। हेलो क्यूटीज, तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने वॉइस ओवर में, ताकि हर एक स्टेप मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। बात की जो है हेयर्स की, तो यहाँ पे मैंने ट्राई किया है हीटलेस कर्ल, जो कि आगे वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया है। तो अब बारी आती है मेकअप की। तो मेकअप में सबसे पहले आप फेस वॉश कर लो। अगर आप फेस वॉश कर चुके हो, मतलब 1-2 घंटा हो गया है, तो आप ना वेट वाइप से अपने पूरे फेस को क्लीन कर लेना, क्योंकि क्लीन फेस पे ना मेकअप काफ़ी अच्छे से होता है। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा डर्ट निकला है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे टोनर। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइप का टोनर, काफी अफोर्डेबल है, अच्छा है, मैं हमेशा इसे यूज करती हूँ। थर्ड स्टेप होता है मॉइस्चराइजर। तो मेकअप में सबसे पहले आप ये 3 चीजें तो हमेशा करो, CTM यानी क्लिंजिंग टोनर एंड मॉइस्चराइजर। सो मॉइस्चराइजर के लिए यहाँ पे मैंने यूज किया है ये लैक्मे का पीच मिल्क क्रीम मॉइस्चराइजर। कोई तामझाम नहीं, एकदम सिंपल सा हमने स्किन केयर किया है। अब बढ़ते हैं मेकअप की तरफ। तो मेकअप में सबसे पहले लगाते हैं प्राइमर। प्राइमर लगाने से हमारे सारे पोर्स ब्लर हो जाते हैं और हमारा फेस स्मूथ हो जाता है, जिससे हमारा फाउंडेशन बहुत खिलके आता है और मेकअप लॉन्ग लास्ट भी रहता है। तो प्राइमर लगाने के बाद 2 मिनट तक का वेट करते हैं, तो तब तक हम लोग कर लेते हैं अपना आई मेकअप। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को करूंगी फिल। तो यहाँ पे मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का आईब्रो पैलेट यूज कर रही हूँ। मुझे इसकी ये बात पसंद है ना कि इसके अंदर ब्लैक शेड है ही नहीं। जैसा कि आप लोग को पता है, आईब्रोज पे कभी भी ब्लैक शेड नहीं अप्लाई करते हैं, वरना वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल और अलग से ही दिखता है। सो मेक श्योर आपको डार्क ब्राउन या फिर डार्क ग्रे शेड अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए यूज करना चाहिए। सो हमारी आईब्रोज
आवाज हो चुकी है फिल, अब बारी आती है आईब्रोज को नीट एंड क्लीन करने की। सो अगेन मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कंसीलर पैलेट यूज कर रही हूँ, जिसमें से अपना एकदम मैचिंग शेड लेके अपनी आईब्रोज के चारों तरफ अप्लाई कर लूंगी। इस स्टेप से क्या होता है ना, जैसे कि आप लोग देखते होंगे मेकअप आर्टिस्ट जो आईब्रोज को फिल करते हैं कितना ज्यादा सुंदर और एकदम हाईलाइटेड दिखता है, तो इस स्टेप से वैसे ही दिखेगा। उसके बाद एट द सेम टाइम आईलेट को भी हल्का प्राइम कर लेंगे कंसीलर से, ताकि हमारा आई मेकअप के लिए एक बेस तैयार हो जाए। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ कर देंगे ब्लेंड। मैं ना लिप बाम लगाना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का लिप बाम यूज कर रही हूँ। तो अब बढ़ते हैं आई मेकअप की तरफ। तो यहाँ पे मैं दो आई शेडो पैलेट का यूज करूंगी। सबसे पहले ये स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट, जिसमें से मैं डार्क ब्राउन शेड लेके अपनी आई के क्रीज पे ब्लेंड करूंगी, ताकि एक अच्छा सा ट्रांजिशन शेड तैयार हो जाए मेरे आई मेकअप के लिए। उसके बाद उसी आई शेडो पैलेट में से मैं ब्लैक शेड लूंगी एक पॉइंटेड ब्रश पे, और अपने आईज के जो कॉर्नर वाला एरिया होता है ना, उस पर प्लेस करके अच्छे से सर्कुलर मोशन पे ब्लेंड कर दूंगी। एक बात का ध्यान रहे, आई मेकअप में ब्लेंडिंग इज द की। आप जितने अच्छे से आई मेकअप को ब्लेंड करोगे, आपका आई मेकअप उतना ज्यादा खूबसूरत और प्रोफेशनल की तरह लगेगा। एंड देन फ्लैट ब्रश पे थोड़ा सा कंसीलर लेके मैं हाफ कट क्रीज बनाऊंगी। उसके बाद इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ, जिसमें से सिल्वर शेड लेके अपने लिड पे अप्लाई करूंगी और अपने हैंड की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर। सो मैं एनवाई बे का जेट ब्लैक आईलाइनर यूज कर रही हूँ। अच्छे से शेक करके मैं एक छोटा सा विंग आईलाइनर लगाऊंगी। ये काफी अच्छा और अफोर्डेबल भी है। अब बारी आती है आईलैशेस की। सो आईलैशेस है स्विस ब्यूटी के, जिसके अंदर आपको 5 पेयर के लैशेस मिल जाएंगे, और ग्लू है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का। अच्छे से आईलैश पे ग्लू लगाने के बाद 30 सेकंड तक वेट करेंगे, एंड देन बीच में स्टिक करने के बाद सबसे पहले आउटर कॉर्नर पे प्लेस करेंगे एंड देन इनर कॉर्नर पे। ऐसे ना बहुत इजी तरीके से आईलैशेस लग जाता है। बट अगर आपको आईलैशेस नहीं लगाना आता है, तो प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई है जो आई थिंक आपके बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। उसमें मैंने काफी अच्छे से बताया है कि आईलैशेस कैसे लगाते हैं। सो हमारा आई मेकअप हो चुका है डन। अब बारी आती है बेस मेकअप की। तो हमने प्राइमर पहले ही लगा लिया था, अब करेंगे अपने पूरे फेस पे कलर करेक्टर। जो भी पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स हो गए हैं, उस पे ऑरेंज करेक्टर लगा के अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। एंड देन उसी कंसीलर पैलेट में से मैं अपने शेड का कंसीलर लेके अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी और अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर दूंगी। बाय द वे कंसीलर जो है वो मैं इनसाइड कॉस्मेटिक्स का यूज कर रही हूँ। अब बारी आती है फाउंडेशन की। हालांकि आप लोग फाउंडेशन लगा सकते हो, बट मेरा आज बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा बेस अच्छा लग रहा था, बट मुझे थोड़ा सा और ग्लोई चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने लैक्मे की सीसी क्रीम में थोड़ा सा स्विस ब्यूटी का एक दो ड्रॉप ही लिक्विड इल्यूमिनेटर मिक्स किया और अच्छे से अपने फेस पे लगा लूंगी ब्रश की हेल्प से। एक बात का ध्यान रहे, डोंट फॉरगेट योर नेक गाइज। लोग ना फेस पे मेकअप कर लेते हैं बट नेक को भूल जाते हैं, तो नेक पे भी अच्छे से लगा लीजिएगा। अब बारी आती है मेकअप में मेरे सबसे फेवरेट पार्ट की, जो कि है ब्लश। आपको पता है ये ओनली 99 रुपीज का है। ये है इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ब्लश इन द शेड आई गेस वाटरमेलन। एंड हाँ, एक और बात, मेरे पास ना आई थिंक इनसाइड के सारे मेकअप प्रोडक्ट्स हो चुके हैं। तो अगर आप लोग एक सेपरेट वीडियो देखना चाहते हो, जिसमें मैं सारे प्रोडक्ट्स इनसाइड के यूज करूँ और प्लस मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना। वो वीडियो भी मैं जल्दी लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। नाउ बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे ब्लश लगाने के बाद मैंने यूज किया है लैक्मे का ये लूज पाउडर। आपको ओनली 100 रुपीज में ये आराम से मिल जाएगा। इससे मैं अपने पूरे मेकअप को सेट कर लूंगी एंड अपने नेक को भी अच्छे से सेट कर लूंगी। अब यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का फेस पैलेट ले रही हूँ, जिसके अंदर आपको ब्रॉन्जर, ब्लश और हाइलाइटर मिल जाएगा। सो सबसे पहले एंगल्ड ब्रश की हेल्प से यहाँ पे मैं लगाऊंगी ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर हम लोग इसलिए लगाते ताकि हमारे फेस पे एक वार्मथ आ जाए। उसके बाद एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं दो ब्लशेस के शेड को मिक्स करके अपने चीक्स पे अप्लाई करूंगी। आई एम श्योर आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि मैंने क्रीम ब्रश लगाया तो उसके ऊपर पाउडर ब्रश मैं क्यों लगा रही हूँ। ऐसा करने से हमारा जो ब्लश होता है वो और भी ज्यादा लॉन्ग लास्ट हो जाता है, क्योंकि पाउडर ब्लश एक टाइम के बाद उड़ जाता है, बट जो क्रीम ब्लश होता है वो हमारे फेस पे हमेशा टिका रहता है। एंड देन उसी फेस पैलेट में से मैं हाईलाइटर लगाऊंगी अपने हाई एंड पॉइंट्स पे। उसके बाद एक छोटू से ब्रश की हेल्प से अपने ब्राउ बोन पे और अपने इनर कॉर्नर पे हाईलाइटर लगा लूंगी। उसके बाद अपने लोअर लैश पे मैं लगाऊंगी व्हाइट काजल। आप चाहे तो ब्लैक भी लगा सकते हैं, बट व्हाइट काजल से हमारी आईज जो है ना और बड़ी लगती है। उसके बाद डार्क ब्राउन शेड लेके हल्का हल्का स्मोक आउट कर लूंगी एंड देन लगा लूंगी मस्कारा, जो कि अभी क्लिप यहाँ से मिसिंग है, बट मैंने मस्कारा भी लगाया था। लास्टली बारी आती है लिप कॉम्बो की। तो लिप लाइनर के लिए मैंने यूज किया है ये स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर इन द शेड आई गेस हॉट रेड, और लिपस्टिक के लिए मैंने यूज किया है ये ब्लू हेवन की बहुत ही सुंदर सी लिक्विड लिपस्टिक। अब इतना सुंदर मेकअप किया तो उसको सेट करना भी तो जरूरी है, तो यहाँ पे मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये सेटिंग स्प्रे यूज किया है। अब अपने हीटलेस कर्ल को खोल
करने की बारी आती है, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आपको पता है मैंने ये रात में किया था और अब भी 4-5 बज रहे हैं, तो मतलब आप लोग समझ लो पूरी रात और आधा दिन मैंने इसको रख ही लिया है। मेरे ना पूरे कान के पीछे दर्द हो गया था, बट हीटलेस कल काफ़ी अच्छे हुए थे, बट मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने इसको कॉम कर लिया था, जिससे ये थोड़े से खुल गए थे बट अच्छे लग रहे थे। अब फटाफट अपनी ज्वेलरी वगैरह पहन लूँगी। बाय द वे, जो भी मैं पहन रही हूँ ना, ये सब ऑफलाइन है, बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं। अगर होता तो मैं लिंक दे देती। सो नाउ दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आपको ये वाला मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। देखा ना आपने कितना ईजी पीजी लुक था। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।